पंजाब अब्दुल अलीम खान से चीनी वफद की मुलाकात, मुख्तलिफ शोबाजात पर तआवुन पर गुफ्तगु। पंजाब में कूड़े करकट से बिजली पैदा करने के मनसूबे शुरू करेंगे अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगु। कहा सूबे में मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए चीन के तआवुन के ख्वाहां हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे इमरान मलिक से। जी इमरान मलिक, अहवाल बताएगा मुलाकात का। हाँ जी, पहले शहर लाहौर को तुर्क कॉन्ट्रैक्टर जो है उसकी सफाई कर रहे थे शहर लाहौर की, अब चीनी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मुआहदा होने जा रहा है। और इस हवाले से सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान से चीनी वफद की मुलाकात हुई है। मुख्तलिफ शोबों में तआवुन पर गुफ्तगू भी हुई है। पंजाब में कूड़े किरकट से बिजली पैदा करने के मनसूबे भी शुरू कर दिए गए हैं, जबकि वेस्ट से तवानाई की पैदावार के लिए गैर मुल्की कंपनियों को मधु भी किया जा रहा है। जबकि सूबे में मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए चीन के तआवुन से एक वहां है। अब्दुल अलीम खान का ये कहना है कि वजीर अजम इमरान खान का दौरा चीन तरक्की के नए रास्ते खोल रहा है। अब्दुल अलीम खान ने चीनी वफद से इंफ्रास्ट्रक्चर व दीगर मनसूबों पर भी बातचीत की, जबकि कम लागत के रहायशी मनसूबों में भी चीन की महारत से मुस्तफीद होंगे। अब्दुल अलीम खान का यह कहना था, अब किक बैक के बगैर और साफ और शफाफ अंदाज में काम होगा। कोई भी बंदा नैब में नहीं जा सकता, क्योंकि हर काम जो है शफाफियत के अमल के साथ होगा। जबकि गुज़िश्ता हुकूमत ने भारी कमीशन लेकर चीनी कंपनियों को बदनाम किया। गैर मुल्की कंपनियां भरपूर इत्माद के साथ पंजाब में काम करेंगी। सीनियर वजीर की चीन के वफद से दिलचस्पी। बहुत शुक्रिया आपका इमरान।